खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। श्रीलंका ने दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया को 4 विकेट से हरा दिया है। 3 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई। मेजबान श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मेहमान टीम इंडिया के बल्लेबाज श्रीलंका गेंदबाज के सामने टिक नहीं सके और श्रीलंका को जीत के लिए मामूली सा स्कोर दिया। भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बनाए। कप्तान शिखर धवन ने सबसे ज्यादा 40 रन की पारी खेली। 133 रनों के लक्ष्य को श्रीलंका ने आखिरी ओवर में 2 गेंद रहते ही हासिल कर लिया। श्रीलंका की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले धनंजय डिसिल्वा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। डिसिल्वा ने 34 गेंदों में नाबाद 40 रन बनाए। टी20 सीरीज तीसरा और आखिरी मैच आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।